चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि हमने बताया था यूपी पीजीटी 2021 के पेपर हम आप लोगों के साथ सॉल्व करेंगे, बट नेटवर्क का इतना इशू हो गया है कि लाइव क्लास हो ही नहीं पा रही है, तो हम रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये पीजीटी का 2021 का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर बड़ी आंत का भाग है कौन सा, आपके बड़ी आंत का भाग है अंधरांत्र है, कोलन है, मलाशय या उपरोक्त सभी। तो आप लोगों को जब समझ में आए, हिंदी ना समझ में आए, तो थोड़ा सा इसको इंग्लिश वर्जन भी इसका देख लिया करिए। जब आप लोगों को हिंदी थोड़ा सा दिक्कत करे तो आप लोग इसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखिएगा। सीकम है, बिल्कुल है बड़ी आंत का भाग। कोलन है, बिल्कुल है कोलन, जैसे सेमी कोलन इस तरीके से होता है ना, कोलन, ठीक है। और आपका रेक्टम, ये तीनों आपके क्या है, बड़ी आंत के भाग है। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑल ऑफ, करेक्ट आंसर क्या हो जाता है ऑल ऑफ एबव। बात करते हैं हार्नेस, हार्नेस है जैसा कि तब हम लोगों ने पढ़ा था करघे में कि हार्नेस क्या है। हार्नेस क्या है, एक तरीके का फ्रेम होता है। क्या होता है, एक तरीके का फ्रेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है हार्नेस। ताने का बेलन नहीं, बाने का बेलन नहीं, कपड़े का बेलन नहीं, करघे में लगा एक फ्रेम होता है। क्या होता है, करघे में लगा एक फ्रेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक है, यह कथन किसका है। तो जो मूल्य है मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देते हैं, यह कथन है आपका निकिल एवं डॉर्सी का। किसका है, निकिल एवं डॉर्सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत की प्रथम स्वास्थ्य कमेटी की स्थापना 1946 में स्थापित की गई थी, और इसको किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भोर कमेटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, भोर कमेटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, संगठन संरचना का सबसे पुराना और सरल आकार है। संगठन क्या है, संरचना का सबसे पुराना और प्रकार है। कैसा संगठन, लंबवत संगठन, कार्यात्मक संगठन, रेखीय संगठन या रेखीय व स्टाफ संगठन। तो देखिए, रेखीय संगठन संरचना का सबसे पुराना और सरल प्रकार है। कौन सा, रेखीय संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सामान्य व्यक्ति में जठर रस स्रावित होने की मात्रा, यानी कि एक एक साधारण साधारण स्वस्थ व्यक्ति, उसके अंदर जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस, आमाशय में निकलता है ना गैस्ट्रिक जूस, जिसमें कि रेनिन, पेप्सिन और आपका क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उसी को क्या कहते हैं, वही आपका गैस्ट्रिक जूस रस कहलाता है। तो जठर रस एक दिन में एक सामान्यता स्वस्थ व्यक्ति कितना निकालता है, तो आपका 1500 से कितना, पंद्रह सौ से पच्चीस सौ मिलीलीटर पर डे निकालता है। आगे बढ़ते, एक मिनट में श्वसन करता है। बात यहाँ श्वसन की हो रही है, न की हो रही है किसकी, आपके हृदय की। तो बात की हो रही है, एक व्यक्ति श्वसन 18 बार करता है। लाल रक्त कणिकाओं का व्यास होता है लगभग कितना, तो ध्यान रखिएगा, लाल रक्त कणिकाओं का व्यास होता है आपका 7 माइक्रोमीटर, कितना, 7 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, इस विधि में मोहल्लों में पाइप की उपशाखाओं से पानी का कनेक्शन दिया जाता है, किस विधि द्वारा। तो यहाँ पर है आपका वृक्ष, क्या है, वृक्ष प्रणाली, जैसे कि आपका ये हो जाता है आपका मेन पाइप, ठीक है, ये हो जाता है मेन पाइप, फिर यहीं से क्या पाइप मोहल्ले में, फिर घरों में, तो इस तरीके से क्या हो जाती है, शाखाओं में क्या हो जाती है, ये विभाजित हो जाती है, ठीक है, शाखाएं और उपशाखाओं में विभाजित होकर ये पूरे एरिया पर वाटर सप्लाई करती हैं। तो कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो वृक्ष प्रणाली अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उच्च रक्तचाप, रक्तचाप का संबंध हो सकता है किससे, हो सकता है निचले पीठ दर्द से, तंत्रिका परेशानी से, वृक्क संबंधी परेशानी से, या विटामिन ए की कमी से। तो उच्च रक्तचाप का संबंध आपकी वृक्क संबंधी से, गुर्दे से संबंधित परेशानी का आपका संबंध किससे हो जाता है, उक्त रक्तचाप का। चलिए आगे बढ़ते, शुक्राणुजन का नियमन करने वाले हार्मोन हैं कौन होते हैं। शुक्राणुजन का नियमन करने वाले हार्मोन आपका क्या, कौन से होते हैं, एंड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं, एंड्रोजन होते हैं। आगे बढ़ते, कौन सी प्रिंटिंग साधारणतः 500 मीटर से 5000 मीटर तक के कपड़ों पर की जाती है। तो ऐसी कौन सी प्रिंटिंग है जो 500 मीटर से 5000 मीटर तक के कपड़ों पर की जाती है, वो आपकी स्क्रीनिंग पेंटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, स्क्रीन पेंटिंग कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा, प्रोजेस्ट्रॉन एवं ईस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से निकलता है। प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से निकलता है, कार्पस कैलोसम से, कार्पस ल्यूटियम से, कार्पस यूटेरियम से, या कार्पस एल्बिकेन्स से निकलता है। तो कहाँ से निकलता है, कार्पस ल्यूटियम से निकलता है। प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से निकलता है, कार्पस ल्यूटियम से निकलता है। आगे बढ़ते हैं, लगभग किस उम्र में बच्चे अपने मूत्राशय और मलाशय पर नियंत्रण करना प्रारंभ करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाता है 2 वर्ष में। कितने, 2 वर्ष में। आगे बढ़ते हैं, शरीर को संतुलित अवस्था में रखने वाली सभी प्रकार की पेशियों पर नियंत्रण एवं नियमन किसके द्वारा होता है। शरीर को संतुलित रखना, ठीक है, सभी प्रकार की पेशियों पर नियंत्रण और नियमन किसके द्वारा होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है सेरेब्रम। सेरेब्रम और सेरेबेलम दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो किसके द्वारा हमारा जो है वह शरीर का संतुलन रहता है, बैलेंस रहता है, और हमारे कार्य पर नियंत्रण रहता है, तो आपका
सेरेब्रम। सेरेब्रम कहने का ये मतलब है, सेरेब्रम का नियंत्रण हमारे ऐच्छिक कार्यों पर होता है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। सेरेब्रम का नियंत्रण हमारे ऐच्छिक कार्यों से होता है और सेरिबेलम का नियंत्रण हमारे अनैच्छिक कार्यों से होता है। यानी कि अनैच्छिक कार्य यानी कि जो कि हमारी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करती है, ठीक है। हमारे शरीर में ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जो कि हमारी इच्छाओं के अधीन कार्य नहीं करती हैं, विरुद्ध नहीं कह सकते बट हमारी इच्छाओं के अधीन कार्य नहीं करती हैं। तो सेरिबेलम उन्हीं को कंट्रोल करता है, जबकि सेरिब्रम क्या करता है, हमारी अच्छी क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जैसे कि शरीर को संतुलित रखना। इस सभी प्रकार की मांसपेशियों पर नियंत्रण और नियमन किसके द्वारा होता है, तो सेरिब्रम के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं, माँ के दूध में प्रोटीन का कौन सा रूप पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है लैक्टो एल्ब्यूमिन पाया जाता है। क्या होता है, लैक्टो एल्ब्यूमिन, सॉरी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है इनमें से कोई भी नहीं। देखिए आयोग के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाता है इनमें से कोई नहीं। क्या है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रौढ़ावस्था में प्रकुचन दाब होता है कितना होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है 110 से 125। प्रौढ़ावस्था में संकुचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 110 से 125 होता है। एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जब एक ही प्रकार की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक कोशिकाएँ मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं। ओ रक्त समूह में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पर ओ रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है जिसके कारण वह सर्वदाता कहलाता है। कोई एंटीजन नहीं पाया जाता इसी कारण वह सर्वदाता कहलाता है। उच्च रक्तदाब से ग्रसित व्यक्तियों को कैसा खाना देना चाहिए, तो बात यहाँ पर उच्च रक्तदाब हो जाती है, तो कम सोडियम यानी कम नमक आहार देना चाहिए, कम सोडियम क्लोराइड युक्त आहार देना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, ऊतकों का समूह जो कि शरीर के आवरण एवं शारीरिक गुहाओं के पाया जाता है, स्तर पर यानी कि अंदर पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उपकला ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, उपकला ऊतक कहते हैं। वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका के में समान रूप से पाया जाता है, क्या पाया जाता है, वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका में समान रूप से क्या पाया जाता है, केंद्रक और जीव द्रव्य। क्या पाया जाता है, केंद्रक और जीव द्रव्य सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। वृद्धि हार्मोन का निर्माण किसके द्वारा होता है, वृद्धि हार्मोन का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो वृद्धि हार्मोन जो कि आपका किससे निकलता है, वृद्धि हार्मोन निकलता है आपका पीयूष ग्रंथि से, लेकिन आप पीयूष ग्रंथि नहीं दिया है। तो वृद्धि हार्मोन का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो एडिनो हाइपोफाइसिस द्वारा। किससे, एडिनो हाइपोफाइसिस द्वारा, जिसे कि क्या कहते हैं, एडीएस कहते हैं। एक मिनट रुकिए, एडिनो हाइपोफाइसिस द्वारा जो है वह ग्रोथ हार्मोन का निर्माण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक पूर्ण हृदय चक्र की अवधि होती है, एक पूर्ण हृदय चक्र की अवधि कितनी होती है, 0.8 सेकेंड होती है। कितनी होती है, 0.8 सेकेंड होती है। इंग्लिश फिल्टर किस फिल्टर को कहते हैं, तो इंग्लिश फिल्टर आपके स्लो सैंड फिल्टर को कहते हैं। किसे, स्लो सैंड फिल्टर को इंग्लिश फिल्टर कहते हैं। जैनबर्ग मशीन का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है, जैनबर्ग मशीन का उपयोग रगाई के लिए होता है, किसके लिए, रगाई के लिए होता है। कौन सी तंत्रिकाएं बाह्य जगत की उत्तेजनाओं से प्रभावित होती हैं, कौन सी तंत्रिकाएं हमारी बाह्य जगत की उत्तेजनाओं से प्रभावित होती है, करेक्ट आंसर हो जाता है संवेदी तंत्रिकाएं। कौन सी, संवेदी तंत्रिकाएं। आगे बढ़ते हैं, रक्त को जमने में सहायता है कौन, एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन फाइब्रिनोजिन, ये सारे प्रोटीन हैं। कौन सा प्रोटीन रक्त के जमने में सहायता करता है, तो फाइब्रिनोजिन। कौन सा, फाइब्रिनोजिन जमने में सहायता करता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का अनियंत्रित उत्पादन क्या कहलाता है, यानी कि जब अनियंत्रित गति से श्वेत रक्त कणिकाएं बढ़ने लगती हैं, तो सबसे पहले ये लक्षण किसका है, तो ये कैंसर का लक्षण होता है। इसमें क्या होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि कहीं भी किसी भी कोशिकाओं का अनियंत्रित गति से बढ़ना ही क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। तो ये कहीं की भी कोशिकाएं बढ़ सकती हैं और उस अंग में क्या हो जाता है, उसका जैविक कर्क रोग हो जाता है, ठीक है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का अनियंत्रित उत्पादन क्या कहलाता है, ल्यूकेमिया कहलाता है। इसमें क्या होता है, WBC की संख्या अनियंत्रित गति से बढ़ने लगती है, ये स्थिति आपकी ल्यूकेमिया कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, प्रांग के अनुसार सर्वाधिक गर्म रंग कौन सा है, तो यहाँ पर लाल और नारंगी प्रांग के अनुसार सर्वाधिक गर्म कलर होता है। रेडियो दूरदर्शन द्वारा संपर्क कहलाता है, रेडियो दूरदर्शन ये आपके मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े जनसंपर्क के द्वारा इससे संपर्क किया जाता है बहुत बड़े लेवल पर। तो यह व्यक्तिगत संपर्क में नहीं आता, समूह में नहीं आता, किस में आता है, जनसंपर्क में आता है। किस में, जनसंपर्क में आता है। कौन सी विधि गंदे पानी के निस्तारण की विधि से संबंधित नहीं है, तनुकरण करना, गड्ढे में भरना, रासायनिक उपचार या जीव वैज्ञानिक उपचार।
कौन सी विधि गंदे पानी के निस्तारण से संबंधित नहीं है? तो गड्ढे में भरना जो है वह संबंधित नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, कपड़े पर मोइरिंग परिसज्जा बनाई जाती है। मोइरिंग यानी कि उभार लाने वाली परिसज्जा किसकी बनाई जाती है? गर्म रोलरों द्वारा। गर्म रोलर द्वारा फेफड़ों की जीवाणु वायु धारिता में अनुपूरक वायु कितनी हो, फेफड़े की जीवन वायु धारिता में अनुपूरक वायु कितनी होती है? तो 1600 घन मीटर होती है, 1600 घन सेंटीमीटर होती है। आगे बढ़ते हैं, फुलकारी भारत के किस प्रदेश की कढ़ाई है? बिल्कुल सिंपल सा है, पंजाब की। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? ये 1986 में। जब संक्रामक रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला होता है तो क्या कहलाता है? स्थानीय कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थानीय, यानी कि एंडेमिक कहलाता है। और जब यह क्षेत्र से बाहर हो जाता है, यह आपका विश्व यानी कि क्या कहलाता है? पेंडेमिक कहलाता है। कोरोना क्या है? एक पेंडेमिक है, यानी कि यह महामारी है, विश्वमारी कहलाता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंतर्गत फैला है तो क्या कहलाएगा? आपका एंडेमिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फ्रिनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो कैल्शियम, आवश्यक वसी हमले, विटामिन और प्रोटीन। यहाँ पर फ्रिनोडर्मा रोग किससे होता है? आपका वसा से ये रोग होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? फैट, वसी अम्ल की कमी से ये रोग होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का लगभग कितना होता है? प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का लगभग कितना होता है? तो 7% होता है। कितना होता है? प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का लगभग 7% होता है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आज का क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आया होगा। 2021 का ये PGT का पेपर है, बाकी क्वेश्चन हम कल सॉल्व करवाएंगे। नेटवर्क इशू होने की वजह से लाइव नहीं ले पाए, कोशिश करेंगे कल अगर लाइव हो जाता है तो आगे के क्वेश्चन हम लोग लाइव सॉल्व करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम पे इसको शेयर कर देंगे, 2021 का पेपर आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। सभी को शुभ रात्रि।